उसके बाद भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए लाइफ में, जहां पे मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। तो मेरे बैंक में बैलेंस आई रिमेम्बर 1500 या 1700 रुपए। सो हेलो दोस्तों, फाइनली आज हमारे साथ हैं कुणाल पंडित सर, जो सर बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, मॉडल एंड बहुत कुछ कर रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों को आज बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर के बारे में एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइज चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं एंड जानते हैं सारी चीज़ें सर से। तो सर स्वागत है आपका, वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। और मैं सबसे पहले बता दूं कि चेतन ने बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी फेकम फाकी की है कि बहुत बिजी है। कुछ बिजी नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ही फ्री बैठा हूँ। और मुझसे कुछ मत सीखना भाई प्लीज, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मुझसे कोई कुछ सीख सके, तो ऐसा मत कहो भाई। सबको अरे 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 सब 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 अपने अपने लेवल पे, देखो मोबाइल भी गिर गया देखो। अच्छा, थैंक यू चेतन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज की हैं सर ने, तो गाइज बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो थोड़ा सा एक आप भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप अभी क्या क्या कर रहे हैं, क्या आपने अभी तक किया है एंड सारी चीजें, छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी सब सच बताता हूँ, तुमने जो बोला कि बहुत सारी सीरियल, मैंने बहुत कम सीरियल की है, बहुत सारी फिल्में नहीं, मैंने बहुत गिनी चुनी फिल्में, हाँ लेकिन वो अच्छी फिल्में थी। तो मैंने, मेरी शुरुआत हुई थी चेतन थिएटर से। और इस लाइन में शुरुआत में कहूँगा एक एक्सीडेंट था, मैं जॉब करता था ईटीवी में, हाँ प्रोडक्शन में था, और उसमें एक एक्टर था, वो एक रात को, हम लोग रात को जनरली शूट करते थे क्योंकि स्टूडियो तभी मिलता था, तो वो अपने डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ आया, तो उसको हमने तुरंत पहले हॉस्पिटल भेजा। फिर मैं, मेरे डायरेक्टर, मेरे एक्टर, बाकी के जो दो एंकर बेस शो था वो, तो हम लोग सब लोग बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि इट वाज एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू शूट विदाउट दैट गाय। तो मेरे डायरेक्टर ने ऐसे ही मेरी तरफ देख के कहा कि कुणाल तुम ये कैरेक्टर करो। तो पहले तो मैं सही में बहुत डर गया, मतलब भाई ये सब अपना काम नहीं है, मुझे आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप खाली लाइन्स कर लो, हम बाद में संभाल लेंगे। तो संभव वो चीजें हो गई, एक रात में 4 एपिसोड निकालने थे, वो निकल गए। और फिर मेरा एक दोस्त है निर्मित वैष्णव करके, जो मेरे साथ था, मेरा कलीग था। ओके। तो वो भी बहुत अच्छा एक्टर है, अभी अहमदाबाद में है वो, इज अ होटेलियर नाउ। उसने देखा और उसने कहा कि यार बहुत तूने अच्छा किया है, मैंने एडिट में देखा, तो वाई डोंट यू टेक इट प्रोफेशनली। तो मैंने कहा यार ये मेरा एक्चुअली काम नहीं है, वो तो करना पड़ा क्योंकि इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में था। तो एक होता है ना कि एक दोस्त है कमीना, जो यू नो वो उंगली करने में बड़ा माहिर होता है, तो उसने थोड़ा और इंस्टिगेट किया। तो थिएटर ज्वाइन किया मैंने गुजराती, फिर धीरे धीरे ऑडिशन देने लगा मैं, लोगों से मिलने लगा, तो वो पहचान बढ़ी, लोग जानने लगे, तो ऑडिशन के कॉल्स आते गए और फिर धीरे धीरे काम मिलता गया। तो उसके बाद भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए लाइफ में, जहाँ पे मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। मैं कॉल सेंटर में था, मैं और 2-3 जगह नौकरी करता था, बट डेस्टिनी यही थी, लिखा यही था आना, तो कैसे भी करके मैं आ गया, आपके सामने बैठा हूँ। मेरे हिस्से कुछ अच्छी सीरियल्स आई, जैसे कि पवित्र रिश्ता, पवित्र बंधन, कहानी घर घर की, बड़ी दूर से आए हैं,
भाखरवड़ी। और फिलहाल अभी इस वक्त मैं कर रहा हूँ स्टार प्लस के लिए एक शो है, मंडे टू सैटरडे 11 बजे आता है, पंड्या स्टोर। ओके, तो अब मैं आपके जरिए लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी सीरियल है ये, प्लीज़ देखें। और मेरा बहुत ही थोड़ा इसमें योगदान है, लेकिन सीरियल बहुत अच्छी है ओवरऑल, तो प्लीज़ देखें। और कुछ फिल्में की हैं जैसे कि बजरंगी भाईजान, बाजार, ओ माय गॉड, अंकुर, अरोरा मर्डर केस, तो और थोड़ी बहुत एड फिल्म्स, बस यही है। सर आपके लिए बस है, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर अपने आप में कि सर इतने सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ की हैं। और सर जैसे कि आपने जैसे कहा कि आपका एक एक्सीडेंट के थ्रू मतलब आप इधर आए एक मूवीज़ में, एक एक्सीडेंट के थ्रू मतलब कैसे हुआ, मतलब जैसे एक्सीडेंट किसी और का हुआ, वो एक्सीडेंट एक्चुअली किसी और का हुआ, तो वो एक्टर था। okay. और मैं प्रोडक्शन में था। ओके, तो सो ऐसे आपने बचपन से सोच रखा था कि बड़े होकर क्या करना है? नहीं, किसी ने, मेरे घर में किसी ने नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा, तो कभी तो बचपन में मैं बड़ा शरारती था। अच्छा, स्कूल में ऑलवेज आई हैव बीन अ लास्ट बेंचर, तो आज मुझे टीचर्स वगैरह भी कभी कभी मिलती है मार्केट में, तो कहती है कि यार तू कभी सोचा नहीं था कि तू एक्टर बनेगा। मैं कहता हूँ हाँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा, तो उसके बाद सर फिर मतलब आप एक्टिंग में आए और इतने हिट आपने मूवीज की, इतना सब कुछ किया, तो आज मतलब आप जब मार्केट में ऐसे निकल पाते हैं मतलब क्राउड के बीच में सर? हाँ, कोई नहीं पहचानता भाई। अरे सर ऐसा मतलब चाट पकौड़ी तो मैं बड़ा, हाँ सब खाता हूँ मैं, सब घूमने जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, सब्जी लेने जाता हूँ वाइफ के साथ। अच्छा, तो हाँ बड़ा ऐसा मतलब जब आप एक सिंपल जी सर मैं पूछ रहा था कि जब आप एक सिंपल पर्सन थे, जब आपने कुछ भी नहीं किया था और आज आप नहीं भाई अभी भी हूँ मैं सिंपल ही हूँ नहीं आपने कहा मैं कौन सा बड़ा मैं सिंपल ही हूँ ये तो सर आपकी बड़प्पन है कि सर आप ये सब चीजें बोल रहे हैं। मैं नहीं सच कह रहा हूँ रोजी पे बैठा हूँ, ऐसा कोई मैं बड़ी बात, बट सही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मैं बहुत ही साधारण फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं बड़ा ही साधारण इंसान हूँ। कोई ऐसा जैसे लोग नौकरी के लिए जाते हैं, ये मेरा काम है, ये यही आता है बेसिकली, तो यही करता हूँ। अच्छा जी जी जी, तो सर मतलब अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं लाइक जब आप मतलब अभी एक्टर बने हैं, इतने सारे लोग आपको इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार मिलता है ऑडियंस से आपको, तो कुछ तो चेंजेस हुए होंगे लाइफ में कि जो एक जर्नल पर्सन की लाइफ और आपकी लाइफ? खर्चे बढ़ गए खर्चे बढ़ गए बालों का ध्यान रखो, फेस का ध्यान, लोगों का प्यार है, और जब मार्केट जाता हूँ तो लोग पहचानते हैं, अच्छा लगता है कि आपको चार लोग पहचाने, आपसे सेल्फी ले, तो अच्छा लगता है, बट ऐसा कोई मेजर चेंज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके ओके, तो सर जैसा आपने बताया आपकी जर्नी तो मतलब एक एक्सीडेंट के थ्रू हुई एंड आपने कुछ सोचा नहीं था, एंड जैसा अभी आपने एक बीच में एक लाइन बोली थी सर कि आपको छोड़ना पड़ गया था इस इंडस्ट्री को, तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ था, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें हमारी ऑडियंस को? भैया मैं, मेरे फादर जो थे वो एक अमेरिकन कंपनी में क्लार्क थे, तो वो रिटायर हुए, तो जब रिटायर हुए तो ऐसा था कि मेरी शुरुआती मेरा दौर था, तो इतने पैसे आते नहीं थे, तो फिर और मैंने कहा कि मैं बड़ा ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हम लोग के घर में अलग अलग कवर एनवेलप्स बनते हैं कि भैया ये ग्रोसरीज का है, ये इतने पैसे दूध वाले के, ये लाइट का बिल, ये टेलीफोन का बिल। अच्छा। तो जब फादर रिटायर हुए तो नेचुरली उनकी इनकम बंद हो गई, और उनकी जो भी ग्रेच्युटी और जो भी उनका था पीएफ वगैरह, वो तो उनकी खुद की कमाई थी जिंदगी भर की, तो मेरे बैंक में भी बैलेंस आई रिमेम्बर 1500 या 1700 रुपए थे, और ऐसा था कि भैया अभी मंथ एंड में कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, तो ये लाइन मुझे छोड़नी पड़ी और मुझे कॉल सेंटर में जॉब करना पड़ा, तो मैंने वो किया, कॉल सेंटर में गया, फिर वहाँ पे वो मैंने जॉब छोड़ी, फिर मैं एक और प्रोडक्शन हाउस में लगा, बट उस दौरान मेरी शादी हुई, तो फिर बीवी ने देखा कि भैया इसका जो इंटरेस्ट है वो एक्टिंग की तरफ ज्यादा है,
हाँ, तो एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि एक काम कर, तू और कहीं नौकरी नहीं कर पाएगा, मैं तुझे पैसे देती हूँ, तू पोर्टफोलियो बनवा और जो तुझे पसंद है तू उसमें फिर से ट्राई कर। तो मेरे फादर रिटायर हो चुके थे, तो उनको समझाना ये वो, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो मेरी वाइफ ने उन्हें समझाया और वो समझे भी। तो ऐसे करके फिर अच्छे नसीब से मुझे दो तीन जन ऐसे मिले, उसमें से एक है स्वप्ना वाघमारे जोशी, जो जब मैं प्रोडक्शन करता था तो हमारा एक शो डायरेक्ट करती थी, तो वहाँ पहचान हुई, उनके थ्रू पहचान हुई। एक मीतू कुमार करके बालाजी में बड़ी पोस्ट पे वो क्रिएटिव थी, तो उनसे मिला मैं। फिर एक भूपिंदर तलवार करके जिन्होंने मुझे काम दिया। तो ये दो तीन जन है जो मैं कहूंगा कि पिलर है मेरी एक्टिंग करियर की। ओके, तो इनमें से अगर कोई भी एक आधा नहीं होता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अच्छा, तो बस अच्छे नसीब से, माँ बाप के आशीर्वाद से, अच्छे लोगों से सही टाइम पे मुलाकात हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मतलब बहुत इंस्पिरेशन है आपकी स्टोरी में, और अब ऐसा लगता है कि मतलब ये सब लाइफ में होता है। जो नौकरी कर रहा होता है ना उसकी लाइफ में भी ऐसी कोई ना कोई कहानी होती है, तो उसमें कोई अलग मेरा ये कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। बात तो है सर, लेकिन अब एक जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, अब वो भी मतलब ऐसे बहुत से लोग होंगे आज जो आप हमें देख रहे हैं, आज जो आपको देख रहे हैं, हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लोग का एक सपना होगा कि हाँ मुझे भी इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे भी इस इंडस्ट्री में कुछ करना है। तो आप अगर उनको थोड़ा गाइड कर पाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनका स्टेप बाय स्टेप, उन्हें कैसे वो वहां तक पहुंच सकते हैं, तो कुछ आप अगर गाइडेंस देना चाहें सर। मैं तो यही कहूंगा कि भैया पेशेंस रखो। ऐसा नहीं है कि आप आज आए और कल स्टार बन गए, ऐसा बहुत रेयरली होता है, और जनरली ये स्टार के जो बच्चे होते हैं उनके साथ ही होता है। तो पेशेंस रखो, एक प्रोसेस है इस इंडस्ट्री का कि आपको ऑडिशन देना पड़ता है, देना ही पड़ता है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो टाइम लगेगा, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में काबिलियत है, तो आप बिल्कुल ही कर पाओगे, क्यों नहीं। मैं कर सकता हूं तो मेरे ख्याल से हर कोई इंसान कर सकते हैं जिसमें जिसमें पेशेंस है बेसिकली। जी, अभी बीच में सर एक ऐसा फैला था कि नेपोटिज्म बहुत बढ़ चुका है, तो जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो लोग इंडस्ट्री से बाहर के हैं, उनको यहाँ मौका मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो सर आपने जैसे एक बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की हैं सर, सलमान खान के साथ आपने काम किया है, अमिताभ बच्चन के साथ हमने आपको देखा है, तो सर आप अगर कुछ बताना चाहें कि ऐसा कुछ है अभी इंडस्ट्री में, मतलब अगर कोई मिडिल क्लास। ऐसा कुछ नहीं, देखो अभी आज 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 मैं ये कहूंगा कि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है, मेरा भी ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि भाई ऐसा, मेरे फादर तो क्लार्क थे अमेरिकन कंपनी में। मैं कहूंगा कि आज अगर अगर किसी बाप का एक बेटा है, ठीक है, और अगर उसका बिजनेस है, आज आज मुकेश अंबानी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पहले अपने बेटे अनंत अंबानी को ही वो बोलेगा ना कि भैया मेरा बिजनेस तू संभाले। अब अगर उसके बेटे में कुछ नहीं है, अगर उसके बेटे में वो काबिलियत नहीं है, तो वो कहीं बाहर से हायर करेगा, है ना। या मुझे तो बुरा कह, फोन करके नहीं बोलेगा कि भाई तू आ जा मेरा धंधा संभाल, वो तो अपने बेटे को ही बोलेगा, नेचुरल है, ऐसा है। तो बट हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आदमी की होती है कि भैया वो अपने बेटे को या बेटी को प्रॉपर नॉलेज दे, एजुकेट करे, कि वो इंसान, वो लड़का लड़की जो भी है, वो इस इंडस्ट्री में आके क्लिक करे, ये मेरा मानना है। सही बात है सर, एकदम। तो गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पॉसिबल है जाना, ऐसी भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आप आ सकते, अगर आप में हिम्मत है और आप में टैलेंट है। अगर आपकी दाल नहीं गल रही है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि भाई एक्टिंग में नहीं, तो ये लाइन बहुत वास्ट है, इसमें आप अलग अलग इसके ब्रांचेस है, आप उसमें आप राइटर बन सकते हो, आप डायरेक्टर बन सकते हो, प्रोडक्शन वाले बन सकते हो, आप सेट डिजाइनर बन सकते हो, आप हेयर स्टाइलिस्ट आप बन सकते हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन सकते हो, बहुत सारी चीज है। तो आप किसी में तो ऐसा रहेगा कि भाई आप कर सकते हो। सही बात है, तो वो भी ट्राई करना चाहिए। जी,
तो सर जैसा कि आपने सर इतने अच्छे अच्छे शोज कर रहे हैं आप, तो सर आपने एक्टिंग सीखी है कहीं से, कहां से आपने लर्निंग ली है एक्टिंग की? मतलब आप कह रहे थे कि आपने नहीं, मैंने कहीं नहीं, मैंने सिर्फ देखा है जी। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ देखा है। मैं जो थिएटर करता था तो मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को थिएटर में देखा है, उनसे मैं जो भी सीखा हूँ मैं उनसे ही सीखा हूँ, और मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। मतलब मैं इतने अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम कर रहा हूँ कि नया कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अलग यू नो सीखने मिलता ही है। बट वो डिपेंड करता है कि भैया आपको कितने, आप में कितनी भूख है वो सीखने की। सही। अगर आप सोच लोगे कि भैया चलो मुझे तो आता है, तो वो आपके लिए सारे दरवाजे फिर आप बंद कर दो। जी जी जी, सही बात है। और सर आपको तो अभी परेश रावल जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, अगर दोस्तों आपको नहीं पता। जी जी, बहुत सर के मामा जी हैं परेश रावल जी, और जिनसे सर बहुत कुछ सीखते होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत मतलब वो तो पूरी इंस्टीट्यूट है हमारे लिए जी, और रादर सब के लिए जी, वो एकदम सही बात। हाँ, तो उनको बहुत कुछ सीखा है उनसे, उनको थिएटर पे देखा है मैंने, उनके साथ में काम एक आध दो यू नो छोटी मोटी एंट्री करने का मौका मिला है। तो यही चीज है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस चेतन। जैसे आप जॉब करने जाओ तो आपको सारी चीजें नहीं पता होती, बट स्लोली स्लोली एंड स्टेडीली यू ग्रेजुअली यू लर्न समथिंग एवरी डे। जी वही सर। तो गाइस अप्स एंड डाउन्स मतलब सबकी लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में आ रहे हैं किसी में नहीं आ रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन वही है जो अच्छे से फेस करता है उसको, जो अच्छे से लड़ता है उनसे, वो कुछ बड़ा करके जाते हैं। तो सर अब जैसा कि आपसे हमने बहुत कम टाइम मिला था हमें, बस एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन आपका पूछना चाहूँगा मैं। तो सर जैसे अभी आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, अब सर आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? व्हाट्स योर फ्यूचर गोल? आपका फ्यूचर में आप और क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में सर? देखो मैं कोई प्लान बनाता नहीं हूँ, आप मुझे बताओ, आपने पेंडेमिक के लिए प्लान बनाया था क्या? आपने पेंडेमिक, आपको पता था कि ये कोरोना आएगा और आप ये मस्त में प्लान करूंगा मैं घर पे रहूंगा? नहीं ना। तो आई टेक द लाइफ एज इट कम्स, मैं नहीं प्लान बनाता हूँ, क्योंकि मुझे इस काम में मजा आ रहा है। तो जो मुझे अच्छा लगता है, जो दिल को छूता है, वो मैं करता हूँ। जिसमें ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं मजा आएगा, मैं उसको मना कर देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। तो मुझसे पूछोगे तो मैं आई डोंट बिलीव इन मेकिंग प्लान। मजा तभी है कि जब आप जिंदगी जो आपको दिखा है वो आप जियो, फिर चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इट डजंट मैटर, बट यू गो विद द फ्लो। I think that is the best. I enjoy. Yes. That life. Yes, इन लाइफ को एंजॉय करना है हमें, एंजॉय करके जीना है लाइफ को, तो मजे ही मस्ती सब होती रहती है। yes, सर, बहुत मजा आया सर आज आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, थैंक यू। आज आपने मुझे सॉरी मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, मुझे नहीं सर आप 10 मिनट भी मिले सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ सेशन रख के। अगर किसी और दिन अगर टाइम होगा तो सर फिर से हम जरूर करेंगे आपके साथ सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। एक लंबा लंबा सेशन करेंगे, एक लंबा करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ जाता है सर आपसे बात करके। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय 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 बाय।